दोस्तों यहाँ पर मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने फेसबुक ओपन किया तो यहाँ पर ब्राउजर ओपन हो गया, मतलब गूगल क्रोम ओपन हो गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर मैं व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्ले स्टोर ओपन हो गया। तो दोस्तों ये क्या मतलब, आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं कोई और एप्लीकेशन ओपन हो रही है। तो दोस्तों अब मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप किसी भी एप्लीकेशन का आइकन नाम दोनों चेंज कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में हाइड करके चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये दो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, यहाँ तक कि आप किसी भी एप्लीकेशन के आइकन पे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं और अपना नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप पर अपना आइकन है, यहाँ पर अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं और यहाँ पर नाम अपना लिख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं ना तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से देखते रहना। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया मसाला ऐप। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इस पर क्लिक करके वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर से यहाँ पर लिखे हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करते ही यहाँ पर बगल में बिल्कुल छोटी सी घंटी दिखेगी, यहाँ बिल्कुल छोटी सी घंटी, इसको जरूर से जरूर दबाएं, क्योंकि इसको दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करके आप किसी भी दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो यहाँ पर लिखना है नाइस वीडियो आपको लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे नाइस वीडियो या फिर अपना नाम अपना गांव कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको मन कर इस वीडियो के बारे में आप फीडबैक देंगे। तो मैं आपके फीडबैक को पढ़ूंगा, आपके नाम को पढ़ूंगा, आपको लाइक करूंगा और आपको रिप्लाई भी जरूर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये करना है, उसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते तो जो टाइटल है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप लिंक का ऑप्शन, यहाँ पर इस ब्लू वाइट टिक पर आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अपने स्क्रीन पर आपको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, जैसे ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉन्चर सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। ये आपको ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑन कर देना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है लॉन्चर को, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब जो कि आपको यहाँ पे एक हाइड ऐप्स का एक आइकन मिलेगा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कैसा है दिखा रहा है यहाँ पे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे आपको ऐसे बढ़ाना है और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड लगा लेना है 1 2 3 4। जैसे आप पासवर्ड सेट कर लेंगे आपको यहाँ पर एक पेंसिल वाला आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम को करना है और भी मान लीजिए गूगल को करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ओके कर देना है। यहाँ पर दो एप्लीकेशन जो कि दोस्तों यहाँ पर हाइड हो गया, आपको कहीं भी ये नहीं देखने को मिलेगी, आप देख लीजिए कहीं भी गूगल क्रोम आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों यदि आप उस एप्लीकेशन को वापस फिर से लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हाइड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे फिर से जाना है 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो जो आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिस्ट में देखिए दो मैंने सेलेक्ट किया, इसको आप यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे, फिर से देखिए वापस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो कि हाइड कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को बिल्कुल आसानी से। देखिए क्रोम आ चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किसी भी एप्लीकेशन का आप आइकन और नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोम को करना है तो आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, मान लीजिए और भी कोई एप्लीकेशन रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ड्राइव का, इस पर लॉन्ग प्रेस करिए, यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर ले जाइए और यहाँ पर नाम और इसका आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी से जाकर कोई फ़ोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।